पूरे राजस्थान से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि आए थे। आज हजारों की संख्या में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो नर्सिंग भर्ती, अकाउंटेंट भर्ती, रीट वाले, ये सभी युवा साथियों के बीच में एक फैसला लिया गया, पूरी संघर्ष समिति ने फैसला लिया, एक लाइन का प्रस्ताव लिया गया कि कर्नल बैसला जी ने जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसका राजनीतिकरण किया है, इसलिए कर्नल बैसला जी के साथ बुरा भगत और शैलेंद्र सिंह एडवोकेट तीनों को संघर्ष समिति से बर्खास्त किया जाता है। अभी बैसला जी, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि बैसला जी ने कहा कि वो कौन होते हैं, तीन लोग थे, उन्होंने मैंने 2008 में आंदोलन किया, तो मैं बैसला जी से कहना चाहता हूँ 2008 में हम भी शामिल थे, 2008 से और 2019 तक हम भी शामिल रहे हैं। और रही बात तीन लोगों के फैसले की, इस पूरे समाज का निर्णय है। और मैं बैसला जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बैसला जी आपने भाजपा ज्वाइन करने से पहले क्या समाज से पूछा था, क्या समाज की महापंचायत बुलाई थी? आप कौन होते हो इस आरक्षण संघर्ष समिति का राजनीतिकरण करने की? आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। 14 साल से जो समाज को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया, आपकी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण। आपने 2009 में चुनाव लड़ा, आप राज्यसभा के लिए अभी आप पैरवी कर रहे हो, 2000 अभी जो विधानसभा चुनाव है आपने भाजपा और कांग्रेस के दर पे गए, समाज को कहीं का नहीं छोड़ा आपने, सभी राजनीतिक पार्टियों के दर पे गए। तो आप आज की स्थिति में, आज समाज आपके कर्मों के कारण